दूसरी रागनी पूरन मल के किस्से से होगी सजनो। जब पूरन मल को जल्लाद लेकर के चलते हैं और उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि पूरन मल तेरी कोई अंतिम इच्छा है, कहने लग जाता हाँ कि मेरी एक इच्छा है, मैं अपनी मौसी के दर्शन करना चाहता हूँ। और मौसी के पास उसे ले जाते हैं पूरन मल को, और पूरन मल की मौसी घूंघट काट के खड़ी हो जाती है कि पूरन मल अब भी मेरी बात मान जा, अगर मेरी बात मान जाएगा तुझे राजपाट सब कुछ दे दूंगी, लेकिन तू मेरी बात मान जा सजनो, जो मैंने तुझे उस दिन रंग महल में कही थी। सजनो सुनिएगा रागिनी में दादा ने के बोल किस तरह से लिखे। आइए गुरुजी। कहने लग जाते सुनिएगा रागनी में। हे रे जो कह दी थी रंग महल में, आज वह सलहा मेरी से की कद फेरी से। सजनों कहने लग जाती है कि पूरनमल हाथ जुड़वा ले, अपने पैर पकड़वा ले, अगर तू इतनी बात भी नहीं मानता, ये मेरे सर का चीर है, इसे तार के मैं तेरे कदमों में धर दूंगी, लेकिन मेरी बात मान जा सजनों। ये कहती है गढ़वा।
दिया, मेरा मान सम्मान किया। है जी सुमित सुखबीर जी नवादे से इस रागनी पे खुश होकर के 101 रुपए दे देते, दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। और इधर से भी आइएगा संजय भाई जी, इस रागनी पे खुश होकर के 101 रुपए देते हैं, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी शानी की हाँ बर के एक सेरस
इस गुरुजी मायचे से इस रागनी पे खुश होकर के 1000 रुपए देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। और इधर से भी नाम नहीं बताया मुझे, गुप्त दान और महाकल्याण, आपने भी नाम नहीं बताया। अमीर दरोगा जी इस रागनी पे खुश होकर के 101 रुपए देते हैं। जयवीर, जयवीर दरोगा जी, दरोगा जी अगर नाम गलत भूल जाए ना 500 रुपए दे के ठीक करवा लियो, कोई दिक्कत ना है, टेंशन वाली तो बात नहीं। खेमचंद, खेमचंद जी इस रागनी में खुश होकर के 101 रुपए देते, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि बोला के बताया सुनो, करूँ यार